Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. And today's video, मैं आई हूँ तपती धूप में. इतनी धूप में क्या दूँ, कितने धूप में. लाजपत नगर. क्या खाने? चाइनीज चाट खाने हैं. तो आज हम जाएंगे गोल्डन फिएस्टा, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी पुराना है. मैं तो काफ़ी बचपन से खा रही हूँ. पहले तो उधर बहुत ज़्यादा अच्छा होता था चाइनीज चाट. अब देखते हैं उधर के उन्होंने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन कर रखे हैं या नहीं कर रखे. मैंने इसकी बहुत पहले फोटो डाली थी, ये वाली, जो बहुत वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पर. और अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे तो आपको बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज आई एम ऑसम. तो हैंडल इज जिंगी जेस्ट, तो आप मुझे ज़रूर फॉलो करो और सब्सक्राइब भी करिए. तो चलते हैं लाजपत नगर और देखते हैं इधर की चाट. नॉट चाट, चाइनीज चाट. सो लेट्स गो एंड लेट्स हैव सम देसी चाइनीज चाट. मैंने और भी एक पहले भी देसी चाइनीज चाट पे वीडियो बनाई थी, जो सीआर पार्क की थी, वो आप देख सकते हो. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ. वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो है, आप ज़रूर देखो. सॉरी, मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ. वो भी बहुत अच्छी जगह है, आप उधर जाके ज़रूर देखो, वीडियो नीचे है. तो अभी चलते हैं लाजपत नगर की चाइनीज चाट खाने और देखते हैं कैसी है, महंगी है, सस्ती है या कैसी है. सो लेट्स गो. चाइनीज चाट. इधर खड़े होने की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है. तो ये है, इसमें नूडल्स, मंचूरियन ग्रेवी, स्प्रिंग रोल्स और सॉल्ट एंड पेपर जैसा कुछ, फ्राइड राइस, हनी चिली पटेटो, चिली पनीर एंड वेज मंचूरियन. तो देखते हैं खाना कैसा है. काफ़ी देसी चाइनीज़ है जैसा कि कह सकते हैं. तो हम ट्राई करेंगे सबसे पहले नूडल्स. ये जो है, ये है 250 रुपीस का. आप इसका छोटा वर्जन भी ले सकते हैं, जिससे काफ़ी छोटा है, वो आपको पड़ेगा 140 रुपीस का. दिस इज़ गुड फॉर टू. अगर आप एक अकेले हो तो आप वो ले सकते हो. तो खा कर देते हैं पहले नूडल्स कैसे हैं. नूडल्स का टेस्ट बिल्कुल देसी है. अगर आप मार्टिड कॉन्वेंट से हो ना, तो जैसे हमारे कॉलेज स्कूल का कैंटीन था, ये वैसा है सेम. बहुत देसी फ्लेवर है. बिल्कुल भी इसे मैं हाका नूडल्स या कोई भी नूडल्स नहीं बोलूँगी, ये इंडियन नूडल्स हैं. और उन्हें बहुत अच्छा टेस्ट है, मतलब मुझे इसमें लिटरली मुझे हल्दी का भी टेस्ट आ रहा है. अब क्या ट्राई करें, मंचूरियन ग्रेवी के साथ मैं ट्राई करती हूँ फ्राइड राइस. चावल में काफ़ी बड़े लग रहे हैं. फ्राइड राइस बहुत ज़्यादा चुई है और वेरी ऑनेस्टली मुझे अच्छी क्वालिटी के लग नहीं रहे चावल जो है ये, पर नूडल्स बहुत अच्छे थे. तो आपके पास अगर ऑप्शन हो तो आप दोनों में नूडल्स ही डलवा देना, क्योंकि नूडल्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं.
Now, chili potato. So it's honey chili potato. Honey chili potato is my favorite. It's actually very nice. ये बिल्कुल soggy भी नहीं है और बिल्कुल crispy भी नहीं है. बिल्कुल अपना देसी वो है honey chili potato. Not very spicy, not very sweet, and really nice flavors. I mean, I really liked it. Next, क्या खाऊं? Spring rolls. Spring rolls काफी ज़्यादा oily हैं. मैं कैसे बदले होंगी? खा खा के इतनी मोटी हो रही हूँ. Subscribe तो कर दो यार कम से कम. It's quite nice. जिसका आउटर क्रस्ट है वो काफ़ी क्रिस्पी है पर काफ़ी थिक है और जिसमें ऑयल है उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रखा है. अब आगे देखते हैं हम काफ़ी सारा खाना है यार इसमें. अभी मैंने आधा भी नहीं खाया. ये है सॉल्ट एंड पेपर वेजीज क्रिस्पी वेजीज. काफ़ी मामूली सा फ्लेवर है इसका. दे डोंट हैव एनी स्पाइसेस मतलब कोई टेस्ट ही नहीं है. एक और बाइट ट्राई करके देखते हैं. गोभी का टेस्ट है जो मुझे अभी गोभी आया है. गोभी के साथ से सही है. व्हाट एल्स कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम गोभी. ओवरऑल जस्ट एवरेज. अब खाते हैं हम चिली पनीर. पनीर की मैं इतनी बड़ी फैन हूँ नहीं वैसे. इनमें मुझे दिया है अच्छे से चिली पनीर इज़ क्वाइट नाइस. उन्होंने चार पीस दिए मुझे पनीर के अच्छे बड़े विद बेल पेपर्स एंड अनियन एंड दे ऑल टेस्ट रियली नाइस. सो हनी चिली पटेटो गेट अ थम्स अप. अच्छा स्प्रिंग अनियंस डाले हैं. काफ़ी अच्छा फ्लेवर है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मंचूरियन. जी वेज मंचूरियन है. वेज मंचूरियन बहुत कम लोग अच्छा बना पाते हैं. सो आई जस्ट होप अच्छा. आई मीन सोचो इसमें गोभी डलती है. ये चाइनीज को बोलो गोभी मंचूरियन ही आई है. द मंचूरियन टेस्ट सो गुड गाइज. बींग वेज मंचूरियन इट टेस्ट सो गुड. आई लव्ड इट. द वेज मंचूरियन इज रियली नाइस. तो मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया. आप कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट देसी चाइनीज़ क्या है. स्प्रिंग रोल्स, फ्राइड राइस, देसी नूडल्स, मंचूरियन, चिली पनीर या हनी चिली पटेटो. कुछ मिस कर दिया तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो आप मुझे. और यार सब्सक्राइब कर दो. और हाँ इधर मैं थोड़ी इनएक्टिव हूँ. आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो. मैं तो रोज़ दिन में चार बार पोस्ट करती हूँ. ठीक है तो मैं खाती हूँ. इधर आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब करो. सॉरी इंस्टाग्राम पे तो फॉलो करते हैं. आप मुझे सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो. आफ्टर हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चाइनीज चाट मैं पी रही हूँ अपना स्लश जो इस गर्मी में बहुत ज़रूरी है. इतनी ज़्यादा गर्मी में आई हुई है. इतनी धूप हो रही है इधर. मेरी हालत ख़राब हो चुकी है. जैसे कि आप मेरी शक्ल से पहचान ही रहे हो. अगर अभी सब्सक्राइब नहीं करा ना तो बस देख लो. चलो पी के देखते हैं. मेरे ये है 120 रुपीज़ का. देखते हैं फिर इट्स वर्थ इट और नॉट. उन्होंने ऊपर से डाली है सॉफ्टी आइसक्रीम गर्मियों में. गर्मियों में आइसक्रीम ना अमृत होती है. अमृत एंड इट्स सो टेस्टी. स्पेशली इसमें ऑरेंज का फ्लेवर मिक्स होकर आ रहा है ना आइसक्रीम. वेरी नाइस. पर कुछ लोगों को जैसे कि मेरी बहन जैसे लोगों को इसका फ्लेवर
जो हम बचपन में क्रोसिन पीते थे ना, थोड़ा वैसा भी लग सकता है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत खट्टा है और बहुत ठंडा ठंडा है, एंड इट्स वेरी रिफ्रेशिंग स्पेशली इन दी समर्स। ओवरऑल दिस थिंग इज रियली नाइस, स्पेशली व्हेन यू आर शॉपिंग इन लाजपत नगर, यू कैन जस्ट टेक इट एंड रोम एंड शॉप। सो फॉर दिस आई, इट्स क्वाइट नाइस एंड इट्स अवेलेबल इन मेनी फ्लेवर्स लाइक रोज, मैंगो एंड यू नेम इट, एंड दे हैव लाइक सिक्स फ्लेवर्स, एंड फॉर 120 आई थिंक इट्स क्वाइट वर्थ इट, काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी टेस्टी भी है। तो हाँ, विद दिस इट्स अ रैप, आई होप यू गाइस एंजॉयड माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई लव यू ऑल। यार इतनी प्यार करते हो, मुझे थोड़ा और प्यार बरसाओ। अगर मेरी वीडियो नहीं पसंद आती तो नीचे आप मुझे बता सकते हो क्या नहीं पसंद आ रहा है, आई प्रूव, और सब्सक्राइब जरूर करो, चाहे डिसलाइक ही कर दो वीडियो अगर नहीं पसंद आया तो, ताकि मुझे पता चले ना आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। बहुत टेस्टी है लेकिन। तो मैं फिनिश करती हूँ अपना खाना और आप फिनिश करो अपना काम, वो है मुझे सब्सक्राइब करने का, और डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स ZINGYZ, ZINGYZST। बाय।